राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए सीधा रुख करेंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है, और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। शुक्रिया। वील हैव वन बाय वन, वील स्टार्ट विद पीटीआई संजीव सिंह। दिस इज प्लीज बी क्लियर, दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट द फार्मर्स इशू एंड द मर्डर दैट हैज टेकन प्लेस इन उत्तर प्रदेश। आई वुड रेकमेंड दैट यू डोंट ट्राई एंड डिस्ट्रैक्ट दैट। आई एम हियर to speak on that issue. I'm not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you're welcome to do so. It is a, as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance, because the government does not realize or understand the power of the farmers, and they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम तीन लोग जा रहे हैं, सेक्शन 144 पांच लोगों को रोकता है, तीन लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था, तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं, सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है?
और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम टीवी 18। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है, देखिए हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिसने जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो, उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो, हमें कहते हो। थैंक यू। न्यूज नेशन से मोहित। क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। सिंपल सा आंसर है। थैंक यू सर। एनडीटीवी। डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है, राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। सुनील। इट इज अ नैरेटिव दैट इज बींग बिल्ट बाय द फोर्सेज दैट आई मेंशनड। इट इज अ नैरेटिव दैट इज बिल्ट यूजिंग इंस्टीट्यूशंस, इट इज बिल्ट यूजिंग द पुलिस, इट इज बिल्ट यूजिंग ऑल दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बट वॉट यू विल फाइंड इज दैट देर इज अ लिमिट टू दिस नैरेटिव एंड यू विल फाइंड सूनर रादर देन लेटर देर विल बी एन एक्सप्लोजन द साइज ऑफ विच पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग।
So what we are trying to do is, we are trying to tell the government, let the democratic process work. This is what the country is about. Do not interfere with the democratic process, because it is a safety valve. If you shut the safety valve, other types of problems will come. Right? So we are pushing for maintaining the democratic process. We are also pushing. तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिन्होंने एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और साथ ही मीडिया को भी घेरा। और आपको बता दें कि कई सारे आरोप सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष मिलना चाहता है पीड़ितों के परिजनों के साथ में, उनको सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन सरकार उनको मिलने नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धारा 144 पांच लोगों पर लागू होती है, उससे ज्यादा लोगों पर लागू होती है, लेकिन हम तीन लोग जा रहे हैं उसके बावजूद भी सरकार हमें मिलने नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी उनका कहना है कि वो जाएंगे, उनकी कोशिश होगी कि पीड़ितों के परिजनों से वो मुलाकात कर सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।